हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड। दोस्तों, कि जैसा कि आपका एग्जाम के लिए कम टाइम बचा है फिजिक बीपीएससी टीजीटी 2023 के लिए, एंड ये वीडियो केवल बीपीएससी टीजीटी 2023 के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल कंपटीशन फिजिकल एजुकेशन के लिए है। एंड आप सभी अभ्यर्थी मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए और अपने सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। एंड दोस्तों, एक एक टॉपिक को मैं डिटेल में एमसीक्यू के माध्यम से आपके समक्ष प्रैक्टिस करा रही हूँ, एंड आप डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तभी सफलता मिलेगी। देख ही रहे हैं, इतना धांधली होता है, तो इस कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करने की आवश्यकता है, तभी आपका कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, डेली बेसिस प्रैक्टिस बनाए रखिए एंड धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिएगा, आधा पे छोड़िएगा मत, नहीं तो आपका कल्याण हो गया। क्योंकि धैर्य नहीं बनाएंगे और पूरी मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, आधा पे छोड़िए मत। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, लचक को क्यों पुष्टि और स्वस्थ जीवन शैली का एक घटक माना जाता है? व्हाई इज फ्लेक्सिबिलिटी कंसिडरेड ए कंपोनेंट ऑफ ए अफर्मिंग एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल? तो लचक को यानी फ्लेक्सिबिलिटी को पुष्टि और स्वस्थ जीवन शैली की एक घटक क्यों माना जाता है? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन क्या करता है? यह शारीरिक गतिविधियों के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव से बचने के लिए होता है, ठीक है, टू अवॉइड मसल्स स्ट्रेन ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। जिस समय हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो मांसपेशियों में अगर सिकुड़न रहता है और भारीपन रहता है तो जल्दी से आपका खिंच जाता है, चोट लग जाता है। बट लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी आपके बॉडी में है तो आप कोई भी गतिविधि करते समय जो आपकी एम्पलीट्यूड ऑफ रेंज है कोड़ों की उसके साथ योग्यता में रूपांतरित हो जाती है और मांसपेशियों की लंबाई, जोड़ की संरचना, टेंडन्स, लिगामेंट तथा अन्य कारकों पर अच्छा प्रभाव डालती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आप वार्मिंग अप करते हैं तो क्यों करते हैं? अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाने के लिए, कि कोई भी कार्य करें तो वो हमको हार्मफुल ना हो सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वास्थ्य शिक्षक एक कक्षा को आलोचना से निपटने के तरीके पढ़ा रहा है। आलोचना के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा शिक्षक द्वारा अभिव्यक्ति करने की सबसे अच्छा तरीका है? तो ए हेल्थ टीचर इज टीचिंग क्लास हाउ टू डील विद क्रिटिसिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म इज बेस्ट फॉर द टीचर टू एक्सप्रेस? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि वह स्थिति की वास्तविकता को पहचानेगा और तर्क से निपटेगा। ये नहीं कि आप वास्तविकता को जाने ही नहीं और उलझना शुरू कर दिए। तो आपको कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है तो वास्तविकता को पहचानिए, तब तर्क से उसे निपटिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन एंड डीलिंग विद लॉजिकली, ठीक है, लॉजिकली, लॉजिकल से काम लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए नियमित चिकित्सकीय जांच में क्या शामिल होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो दोस्तों, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी इंक्लूड इन ए रूटीन मेडिकल चेकअप फॉर ए हेल्दी एडल्ट पर्सन? तो रूटीन मेडिकल चेकअप में क्या एडल्ट पर्सन की जांच की जाती है? तो उसमें जांच किया जाता है ज्यादातर मधुमेह की जांच करने की, एक मूत्र परीक्षण होती है, ये ड्यूरिन ए यूरिन टेस्ट टू चेक फॉर डायबिटीज। तो अक्सर जो रूटीन मेडिकल चेकअप होता है उसमें चिकित्सकीय जांच में स्क्रीनिंग टेस्ट डॉक्टरों को अपने शुरुआती चरणों में हृदय रोग, मधुमेह की जांच के लिए मूत्र परीक्षण और कुछ केस में कैंसर के का भी पता लगाने में मदद करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वजन घटाने का सबसे सुरक्षित और उपयुक्त तरीका है? विच आर द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल वे टू लूज वेट? तो वजन घटाने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है इसमें? तो दोस्तों, समझदारी से खाना और पर्याप्त रूप से कसरत करना, ठीक है, समझदारी से खाना और पर्याप्त रूप से कसरत करना, ईटिंग सेंसिबली एंड एक्सक्रीसिंग इक्वली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कि स्वास्थ्य सेवाओं पर निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा भारतीय स्कूलों में चलाए जा रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड हेल्थ सर्विसेज आर बीइंग रन इन इंडियन स्कूल। तो कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में, तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ही चलाया जा रहा है। जो क्या कहते हैं, आधुनिक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के 300 पान हैं, स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय जीवन, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों के मध्य शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य के अधिकतम विकास की उपलब्धि है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति के लक्षण बताता है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा आपका बी, कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं लेकिन अधिक बीमार होती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम बल का उपयोग करने के लिए एक मांसपेशी की क्षमता किस रूप में जानी जाती है? द एबिलिटी ऑफ ए मसल्स टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इज नोन एज। तो अधिकतम बल का उपयोग करने के लिए एक मांसपेशी की क्षमता जानी जाती है अधिकतम शक्ति, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यहाँ पे हो जाएगा मांसपेशी की शक्ति यानी मसल स्ट्रेंथ। जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया, पूरी क्षमता से एक ही बार में उठाया जाता है, ये आपका अधिकतम बल यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गया। जैसे स्ट्रेंथ 3 प्रकार के हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी अधिकतम बल, अधिकतम ताकत, विस्फोटक शक्ति एंड शक्ति सहनशीलता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी चुनने और उसके बारे में जागरूक बनने की सक्रिय प्रक्रिया है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तंदुरुस्ती। क्या कहा जाता है? तंदुरुस्ती यानी इट इज ए एक्टिव प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड बिकमिंग अवेयर ऑफ ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो होता है आपका फिटनेस। फिटनेस ऐसा होता है कि आप फिट हैं तो हर एक चीज में खुशहाल रहेंगे, काम अच्छा से करेंगे। फिटनेस कहा किसे जाता है? डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग यानी डेली के वर्क को बिना थकान के संपन्न करना और एक्स्ट्रा एनर्जी बचा रहना आपातकाल के लिए, इसी को फिटनेस कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप शराब पीते हैं उसका लगभग 10-15% आपके निम्न में से किसमें अवशोषित होता है? व्हेन यू ड्रिंक एल्कोहल अबाउट 10-15% ऑफ इट इज अब्जॉर्ब इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहाँ पे अब्जॉर्ब होता है 10-15% आपका जो शराब पीते हैं वो होता है पेट यानी कि स्टोमच में, क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम जो भोजन का पाचन होता है हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है टाइलिन एंजाइम के द्वारा, फिर भोजन का पूर्ण पाचन और पूर्ण अवशोषण होता है छोटी याद में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन आपका जो एल्कोहल होता है औषधि होता है उसका जो पाचन होता है उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है अवशोषण होता है उसका अवशोषण होता है अमाशय यानी कि स्टोमच में, और जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है बड़ी याद में, और भोजन का पूर्ण पाचन और पूर्ण अवशोषण होता है छोटी याद में। ये सभी चीजें याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिचली, उल्टी और दस्त किसका सबसे आम लक्षण है? तो ये है आपका भोजन मिथ का। किसका? भोजन मिथ का यानी कि दूषित भोजन करने से होता है। एंड जैसे कि आप रोगाणु के प्रकार पर यह निर्भर करता है कि लक्षण दूषित भोजन खाने के बाद कम से कम 36 घंटे में दिखने शुरू हो सकती हैं। एंड जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, पेट में ऐठन, पेट दर्द, भूख में कमी, उच्च रक्तचाप, मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना, ये सभी आपके फूड पॉइजनिंग के से रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा किससे संबंधित है? स्वास्थ्य शिक्षा किससे संबंधित है? व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन इज रिलेटेड। तो यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य की उन्नति, अनुरक्षण और पुनः स्थापन से, बाय प्रमोशंस, मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ।
हेल्थ एजुकेशन का मूल उद्देश्य है कि स्वास्थ्य की उन्नति को बनाए रखना, उसका अनुरक्षण करना, उसका पुनः स्थापन करना। एंड नेक्स्ट है ISDR, एक समाज के स्वास्थ्य उत्तर जीविता के लिए उपयोगी है। ISDR का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका है इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक खुशहाली शामिल है। हम जैसे जैसे जिंदगी का सामना करते हैं, यह हमारी सोच, भावना और क्रिया को प्रभावित करता है। यह किसके रूप में जाना जाता है, दिस इंक्लूड्स आवर मेंटल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल वेल बींग, इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट एज वी कोप विद लाइफ, व्हाट इज इट नोन एज। ये होता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि मेंटल हेल्थ है। ये क्या होता है, हमारा मेंटल हेल्थ के रूप में जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो महिलाएं गर्भावस्था के समय शराब उपभोग करती हैं, गर्भ में पल रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़े खतरे में डालती है, तो उसे गर्भपात यानी कि एबोर्शन हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तरह के कार्य में प्रति घंटे सबसे ज्यादा मात्रा में कैलोरी की खपत होती है, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ वर्क कंज्यूम्ड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर आवर। तो ये होता है आपका दौड़ना यानी रनिंग में सबसे ज्यादा कैलोरी की खपत होती है। जैसे कि एक साधारण व्यक्ति को एक घंटे में 1.3 किलो कैलोरी प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट की आवश्यकता होती है, जबकि एक प्रशिक्षण ले रहे व्यक्ति या एथलीट को एक घंटे में 8.5 कैलोरी प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट की आवश्यकता होती है। दौड़ने के कार्य में प्रति घंटे सबसे ज्यादा मात्रा में कैलोरी की खपत होती है, इससे भी ज्यादा होती है आपकी सीढ़िया चढ़ने में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में फिटनेस ग्राम परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यह परीक्षण जो फिटनेस ग्राम परीक्षण है 1982 में कूपर इंस्टीट्यूट टेक्सास यूएसए द्वारा तैयार किया गया था। यह सारी शिक्षा विषय के शिक्षकों के लिए बच्चों के फिटनेस स्तर पर एक रिपोर्ट तैयार करने का एक आसान रास्ता है। इसमें हृदय वाहिका फिटनेस, मांसपेशी क्षमता, शरीर की बनावट और लचीलेपन का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी चीजें हैं, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा फिटनेस ग्राम से संबंधित। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटनेस किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित होता है। फिटनेस इज रिलेटेड टू द फंक्शनल कैपेबिलिटीज ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम एंड इंडिविजुअल। तो फिटनेस किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों, व्यक्ति के शरीर विभिन्न तंत्रों अंगों की बात कर रहे, तो आप किस में जाएंगे, फिजियोलॉजिकल में। फिजियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे दैहिक आपका राइट हो जाएगा यानी फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यानी कि व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित कौन है, फिजियोलॉजिकल फिटनेस यानी कि जो दैहिक फिटनेस है, जो हमारे आंतरिक अंगों की जो क्रिया कैसे संपन्न होती है, जो शारीरिक पुष्टि यानी फिजिकल फिटनेस के घटकों के लिए निर्धारित शरीर क्रियात्मक कारक होते हैं, जैसे शक्ति, गति, सहन शक्ति, लचक आदि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों का रक्तचाप कितना mmHg से ऊपर होता है, उन्हें रक्तचाप का मरीज माना जाता है, उच्च रक्तचाप का। यानी कि कितना ब्लड प्रेशर रहेगा mmHg कि आप उसको उच्च रक्तचाप मानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सामान्य रूप से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है 120-80 होता है, 120-80 mmHg, यानी जो सिस्टोलिक प्रकुंचन होता है, दाब होता है, वो होता है 120 जाने का, और आने का होता है अनुसिथिन यानी डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। लेकिन जब उच्च रक्तचाप का मरीज हो जाता है तो वो आपका 120-80 से बढ़कर 140-90 तक पहुंच जाता है, तो उसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब जब 120 से 180 से कम होता है तो उसे कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक फिटनेस की यह परिभाषा किसने दी है, कि शारीरिक फिटनेस जीवन की वर्तमान और संभावित शारीरिक चुनौतियों के से सफलता के साथ पार पाने की क्षमता है। इस परिभाषा को दिए हैं डेविड और लैम्ब ने। किसने दिया है, डेविड और लैम्ब ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
बेरियाट्रिक सर्जरी जीवन शैली से जुड़ी किस आम बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी है? बेरियाट्रिक सर्जरी इज नेसेसरी टू क्योर विद कॉमन लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज। तो बेरियाट्रिक सर्जरी जो है यह किसके लिए किया जाता है? यह सर्जरी किया जाता है मोटापा यानी ओबेसिटी को कम करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस सर्जरी से आमाशय को सिकुड़ कर छोटा कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त माना जाता है यदि उसका बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स कितना होगा कि उसको हम मोटापे से ग्रस्त मानेंगे? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, ए पर्सन इज कंसिडर्ड ओबेसिटी इज बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई कितना रहेगा? तो दोस्तों 30 के बराबर या 30 से अधिक रहेगा बीएमआई, तो मोटापे यानी कि ओबेसिटी के से ग्रस्त हो जाएगा उसको। सभी चीज़ें हाइपरटेंशन एंड स्ट्रेस एंड डायबिटीज एंड सर्कुलेशन प्रॉब्लम एंड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा एंड आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, सभी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। यानी कि जो आपका BMI क्या होता है, आपका भार जो है लंबाई के हिसाब से अच्छा है कि नहीं, ये BMI में चेक किया जाता है। BMI ज्ञात करने का सूत्र होता है वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी कि इसमें शरीर का भार किग्रा तथा ऊंचाई मीटर में मापी जाती है। जैसे कि आपका जो BMI 18.5 से नीचे है तो माना जाएगा अंडर वेट, यानी कि आप कमजोर में हैं, दुबले पतले हैं। अगर आपका 18.5 से 24.9 यानी कि तक आता है 22.9 तक, तो आप सामान्य भार यानी कि आप ऑल गुड है, परफेक्ट है, फिट है। अगर 25 से ऊपर आ गया तो अति भार हो गया, मोटापे से ग्रस्त होना शुरू कर दिए हैं। 30 या 30 के बराबर या अधिक हो गया तो मान लीजिए आप एकदम मोटापे के से ग्रस्त हो चुके हैं। तो इसको डेली एक्सरसाइज और डाइट प्लान प्रॉपर तरीके से फॉलो करने से आप ठीक हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता शारीरिक क्रिया करते समय एक सफल नेता को सर्वोत्कृष्ट तरीके से दर्शाती है? विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट करेक्टराइज ए सक्सेसफुल लीडर हु परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटीज? तो एक अच्छे नेता की शारीरिक क्रिया करते समय क्या गुण होना चाहिए? तो वह ऐसा उसको गुण होना चाहिए कि सभी प्रतिभागियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, टू इनकरेज ऑल पार्टिसिपेंट्स टू प्ले, सभी को प्रोत्साहित करना खेलने के लिए, यही एक नेता का गुण होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के निम्न भाग बताए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ हेल्थ। तो दोस्तों जैसे कि स्वास्थ्य के चार आयाम हैं वर्तमान में, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो स्वास्थ्य के आयाम हैं उसको तीन आयाम बताए हैं। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। जबकि वर्तमान में एक और जुड़ गया है आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल। यानी कि अब पूछेगा कि स्वास्थ्य के कितने आयाम हैं, तो चार आयाम हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल यानी कि सामाजिक, फिर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एंड आध्यात्मिक। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से पूछेगा तो तीन ही आप लिखेंगे, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वास्थ्य की सर्वोत्तम सूचक की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ अमंग द फॉलोइंग। तो दोस्तों स्वास्थ्य की बेस्ट सूचक क्या होती है? तो शरीर की मांसपेशियों, ताकत और मांसपेशियां ही सूचक होती है कि आप स्वस्थ हैं। स्ट्रांग मसल से ही सूचक होती है कि आप स्वस्थ हैं, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है। जो प्रशिक्षण द्वारा शरीर की मांसपेशियों को मजबूत किया जाता है जिससे शक्ति यानी स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन, इन पांच भागों द्वारा शरीर की मांसपेशियों को सही तरीके से दैनिक कार्य करने के स्वास्थ्य की ओर संकेत करता है, फिटनेस की ओर संकेत करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण की मांगों को पूरा करने की मनुष्य की क्षमता क्या है? मेंस एबिलिटी टू मीट द डिमांड्स ऑफ द एनवायरमेंट। तो दोस्तों जो एनवायरमेंट की मांग है, डिमांड्स है, उसको पूरा करने की क्षमता को कहते हैं फिटनेस। क्या कहते हैं? फिटनेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न शरीर क्रिया कारकों में किससे खेल की क्षमता बहुत हद तक आधारित है? Which of the following physiological factors determine athletic ability to a great extent? तो क्रिया कारकों में से किसकी क्षमता बहुत हद तक आधारित होती है? तो दोस्तों, कोई भी आप क्रिया कर रहे हैं तो जो VO2 max होता है, अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एक्सेसिव ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, जितना अधिक आप में रहेगी कोई भी क्रिया आप उतना अच्छे ढंग से सरलतापूर्वक अधिक समय तक कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम ऑक्सीजन की मात्रा को रक्त में शरीर में कार्यरत मांसपेशियों तक अवशोषित तथा उपभोग की जा सकती है, उसे ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कहा जाता है। और उपयोग की गई ऑक्सीजन की गति, मात्रा, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, आकार, उपापचय दर क्षमता पर निर्भर करती है और सौभाग्य बस इनमें प्रशिक्षण द्वारा कुछ सीमा तक सुधार किया जा सकता है, क्योंकि अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो अधिक मात्रा में एनर्जी बनेगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करेगा और आपको ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलेगा जिससे आप ज्यादा समय तक कार्य कर सकेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बोलचाल की भाषा में समानांतर स्वास्थ्य को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे साधारण लिखा है। साधारण बोलचाल की भाषा में स्वास्थ्य को किस रूप में समझा जाता है? हाउ आर द जनरली अंडरस्टूड इन कॉमन पैरेलल्स? तो दोस्तों, सामान्य बोलचाल की भाषा में स्वास्थ्य को लोग समझते हैं कि हाँ, शरीर में कोई रोग नहीं है तो व्यक्ति स्वस्थ है, तो रोग और विकृति से मुक्ति को ही फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड डिफॉर्मिटीज को ही समझते हैं कि ये स्वास्थ्य है। लेकिन वास्तविक में फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जो स्वास्थ्य है वो केवल रोग से मुक्ति नहीं है। WHO कहता है कि केवल रोग से मुक्ति ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना भी स्वास्थ्य है। ठीक है, तो वो पूर्ण रूप से जीव पूर्ण रूप से स्वास्थ्य को समर्थन करता है WHO, लेकिन एक साधारण व्यक्ति सोचता है कि रोगों से मुक्ति होना ही स्वास्थ्य है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्मी यानी कि लू से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार प्राथमिक उपचार देना चाहिए? तो कोई लू से पीड़ित है तो आप क्या करेंगे? क्या उसको सूर्य के प्रकाश में और रखेंगे कि ठंडा गिलास पानी देंगे कि चारों तरफ से घेरेंगे? नहीं, उसको प्रति उसको व्यक्ति को ठंडा स्थान पर लिटाएंगे। ठीक है, व्यक्ति को क्या करेंगे? पीड़ित व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको ठंडे स्थान पर लिटाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कारण है जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट फिजिकल एफिशिएंसी? तो कौन सा कारक है जो शारीरिक दक्षता, फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करती है? तो शारीरिक बनावट कारण, यानी कि आपकी बनावट कैसी है, गोल का है कि एंडोमॉर्फिक है कि मेसोमॉर्फिक है कि एक्टोमॉर्फिक है, एंड शारीरिक क्रिया कारण एंड मनोवैज्ञानिक कारण, यानी कि ड्यू टू फिजिकल अपीयरेंस एंड ड्यू टू फिजिकल एक्शन एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल रीजन ऑल ऑफ द एवम। यहाँ पे सभी चीजें आपको फिजिकल दक्षता को, फिजिकल फिटनेस को क्या करती है, प्रभावित करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक स्वास्थ्य को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट फिजिकल हेल्थ? तो गहरे नींद और आराम, डीप स्लीप एंड रेस्ट आपको अच्छा होता है शारीरिक फिटनेस को, संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट लेना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जिस भोजन में संतुलित मात्रा में, उचित मात्रा में विद्यमान हो उसी को कहते हैं बैलेंस डाइट, एंड प्रतिदिन अभ्यास, रोजाना डेली एक्सरसाइज प्रैक्टिस डेली से, ये सभी चीजें आपको स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी, अच्छा बनाएंगी। बट यहाँ पे पढ़ना इसका कोई रिलेटेड नहीं है फिजिकल फिटनेस से। तो जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं नियमित व्यायाम, आयु, लिंग, प्रशिक्षण की मात्रा, आराम तथा शिथिलन, दबाव, तनाव, वंशानुक्रम, वातावरण, बीमारी, आहार, नशा, जीवन शैली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस क्वेश्चंस में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।